अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज जिस जॉब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो UBL बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की ये जॉब आई है। तो दोस्तों, जिसमें ये मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत जो रखी गई, ग्रेजुएशन रखी गई, ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपने किस तरह इसमें अप्लाई करना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे और आप उसमें इजीली अप्लाई कर सकें। अब आपको बताते हैं कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने rozi.pk में जाके बैंक को आपने सर्च करना है। तो दोस्तों, उसके बाद ये काफ़ी सारी जितनी भी जॉब्स आई हुई हैं आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जब आपको बताते हैं कि आपने किस तरह UBL में रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आपके सामने रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब डिस्क्रिप्शन सामने आ गई हैं, जिसमें एज के बारे में, सैलरी के बारे में और इसमें टोटल जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में भी बता दिया। तो यहाँ पे आपके सामने ये जॉब समरी भी है कि आपने जॉब लगने के बाद आपने क्या काम करना है, कौन कौन सी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपके ने किस तरह काम करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक CV का बटन है, इस पर आपने प्रेस करना है। तो दोस्तों, आपने सारी डिटेल को पढ़ लेना है ईजीली। फिर उसके बाद आपने CV के बटन को प्रेस करना है, देन उसके बाद आपका ये अप्लाई होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मेल फीमेल के लिए, ये दोनों के लिए ही जॉब है। तो अपनी एजुकेशन के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, और जिसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों को ज़्यादा सैलरी भी मिलेगी। तो ये बैंक की जॉब है, परमानेंट जॉब है। तो दोस्तों, आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें। तो उसके बाद आपने CV के बटन को प्रेस कर देना है, फिर आपके पास ये स्किल्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स के मुताबिक ही आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आप अपनी ऐड स्किल्स भी कर सकते हैं कि आप अपनी स्किल्स में किस चीज़ में महारत रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी टोटल स्किल्स ऐड करेंगे, उसके बाद ही कंटिन्यू के बटन को प्रेस करेंगे, आपकी नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर देना है और इसमें डैशेज ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट CNIC नंबर देना है और उसके साथ ही आपको नीचे उसकी आपने CNIC की इशुएंस भी डालनी है जो आपके ID कार्ड पर होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने अपने जो डाटा है वो बिल्कुल सही डालना है। आपकी ये अप्लाई उसी टाइम हो जाएगा दोस्तों, आपको उसी टाइम ही मेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आप अप्लाई करने के बाद दोस्तों, आपको एक टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो उसके बाद ही आपको उसी टाइम एक ऑनलाइन टेस्ट 30 मिनट का टेस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट आपने ये करना है कि नीचे अप्लाई का बटन है तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है दोस्तों। तो आपका अप्लाई हो जाएगा और आपको एक ईमेल आ जाएगी जो आपने ऑनलाइन टेस्ट देना है, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस तरह अपनी जॉब पर ये अप्लाई करेंगे।